अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी दुआएं आप सबके लिए हमेशा से यही होती हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है माशाल्लाह से महफिल मिलाद की वीडियो है, और ज़्यादातर जो है मैं बग़ैर वॉइस ओवर करके आपको ये वीडियो दिखाऊँगी, तो ओरिजिनल वीडियो में देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसी हैं? उधर बैठे बैठे हो इधर। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله का मामूल था, सुबह शाम तीन तीन बार ये दुआएं पढ़ते थे। पहली दुआ मैं आपको बता रही हूँ, उसको बताने से पहले मैं बताना नहीं चाहती, आप पढ़ के बस देखिएगा, फिर आपको खुद मालूम होगा कि आपके साथ क्या है। दो मरतबा पढ़ता है, आप उसके लिए इनामात देखें कितने हैं। नंबर वन, 10 गुलाम करने का सवाब मिलता है। नंबर टू, 100 नेकियां मिलती है। नंबर थर्ड, 100 गुना माफ होते हैं। उसका जिक्र खुद खुदावंद ताला ने किया और कह दिया कि बरपाना लगा जिक्र, इस जिक्र को मैंने खुद किया। मेरी शहरत से तुम करीब, मेरी शहरत से किरदार की तफसीर है।
की तफसीर है, हम जिसे कुरान कहते हैं, जिसे कुरान कहते हैं, वही है मुस्तफा सल्लल्लाहु सैयदना मुहम्मद जो है चाय बनाने की तैयारी कर रही है और माशाल्लाह से हुजूर की महफिल भी सजी हुई है। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया है तो चाय पीने में भी मज़ा आता है और हुजूर की महफिल सजी हुई है तो क्या ही बात है कि सब बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो और बहुत लुत्फ़ आता है ऐसी महफिलों में सबको। और आज सुबह से मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, मुझे रात को नींद भी नहीं आई, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि माशाल्लाह हमारे घर में हुजूर की महफिल सज रही है। ऐसी आम कोई लोग आते हैं तो उसमें इतनी खुश होती हूँ मैं, और आज की तो बात ही क्या है। तो मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपकपा रहा है और बहुत खुशी खुशी से मैं सारे काम कर रही थी। बस इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती कि हमारे घर में हुजूर की महफिल सजेगी, हुजूर तशरीफ़ लाएँगे। तो ये मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ पर अल्लाह और नबी का नाम लिया जाता है वहाँ पर फरिश्ते आते हैं और वो भी दुरूद सलाम पढ़ते हैं। बाहर से थे और बाहर से थे बहन बेटी अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद ने कलमा पूरा किया। अल्लाह 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 माँ की अजमत, अल्लाह कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं पालने वाला हूँ। माँ को उसने अपने साथ मिला दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया, इसीलिए तो माँ चट्टान है। किसी के लिए मोहब्बत हो ना हो, जब औलाद गोद में आ जाती है तो फिर वो चट्टान बन जाती है, फिर उसे सर्दी से भी बचाती है, फिर उसे गर्मी से भी बचाती है, फिर उसकी भूख की भी फिक्र रखती है, फिर उसकी नींद की भी फिक्र रखती है, फिर कंधे पे लादे लादे फिरती है। चाहे बच्चा कितना सेहतमंद हो, माँ ये नहीं कहती कि ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा, बल्कि खुशी खुशी को इसके बच्चे की तारीफ करते समझती है, मेरी तारीफ करती, कंधे पे लादे लादे फिरती है, कब तक, जब तक वो खुद चलने के काबिल नहीं हो जाते। ये मेरा अल्लाह पलवा रहा है, वो बड़ा करम कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने माँ को सबसे उस माँ से 70 गुना ज्यादा आ
सबको सबको दे दो। और ये मेरी भाभी हैं और तकरीबन एक साल हुआ मेरे भाई का इंतकाल हो गया और ये काफ़ी बीमार हैं। इनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्त करे। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के आई, इस महफिल में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई इनके आने की। भाई की कमी तो मुझे बहुत महसूस हुई। और ये मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे ख़ास तौर पर मिलने के लिए आई, और ये एक शादी में भी गई थी, वहाँ से होके मेरे पास आई, मेरी मोहब्बत में आई, हुजूर की महफिल में आई। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लोग इतनी दूर दूर से आएँ और ख़ास तौर से इस महफिल में शरीक होने के लिए आएँ। और इस महफिल मिलाद में ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर थे जो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके आए, तो बहुत मुझे खुशी हुई इनके आने की। और काफ़ी दूर से लोग आए थे, कोई रक्षे में आया, कोई अपनी कन्वेंस से आया। और इसमें ज़्यादातर बच्चियाँ भी हैं ऐसी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और बहुत शौक से मेरी वीडियो देखती हैं, तो इनका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أول أولي يا آخر آخرني يا قوة المدين يا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا سيد الشخصين والدليل إخلاق سي رهنا نصيب فرما يا الله جو بي گھر يوني گھر نصيب فرما Coco, divari isko, coco, coco, coco. लाओ इसको भी दिखाओ, चुन्नी मुन्नी को, ये भी सो रही हैं, चुन्नी या मुन्नी है यहाँ पर, मिलादों में सो गई हैं, देखो. और माशाल्लाह माशाल्लाह महफिल मिलाद की तकरीब जो थी वो ख़त्म हो गई और इसके बाद हमने फ़ौरन खाना लगा लिया था. और जो मिलाद पढ़ने आई थी बच्ची सबा, उनकी फ़र्स्ट टाइम मैंने नात सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ थी और बहुत अच्छी उन्होंने नाते पढ़ी. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, दर्स हुआ और दुआ भी की गई. और इसके बाद मैंने भी दुआ की थी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर के काफ़ी कमेंट्स आ रही थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि आंटी हमारे लिए दुआ करिएगा. किसी ने घर के लिए कहा था, किसी ने बीमारी के लिए, किसी ने शादी के लिए, किसी ने बच्चों के लिए, किसी ने अपनी कोई भी तकलीफ़ के लिए. तो सबकी दुआएँ मुझे याद थीं और तस्वुर में मैंने सबके नाम लेके और उनके लिए ख़ास तौर से स्पेशली दुआ की थी. अल्लाह पाक बस वो दुआएँ सारी कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. और सबको मैंने, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा कि वो मेरे सारे फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, सबके लिए मैंने दुआ की है. इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जो मैंने दुआ की. और अभी जो थी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से वो मैं अपलोड नहीं कर सकी. और खाने में मैंने जो है बिरयानी बनवाई थी और रबड़ी वाली खीर बनाई थी. जितने भी लोग आए थे इस महफिल में सबको माशाल्लाह खाना और यहाँ पर जो महफिल हुई थी बहुत सबको अच्छा लगा, सब ने बहुत तारीफ़ की. सब काफ़ी कुछ अपने साथ जो है लेकर आए थे, कोई मिठाई लेकर आए थे, कोई गिफ्ट लेकर आया था. मैं बस इनके आने से ही बहुत खुशी हुई थी मुझे, इन चीज़ों से ज़्यादा इनके आने की खुशी थी. और हसन जो था वो गया हुआ था दोपहर से अपनी नानों के घर, तो देर से आया था ये. और अभी ये तैयार होके आया माशाल्लाह से. तो यासिन बहने इनको प्यार कर रही हैं, दुआएँ दे रही हैं. और अभी सब लोग बस खाना खाते ही अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो छत पे खाना लगाया था हमने. तो छत पे ये बड़ा मसला होता है कि तीसरी मंजिल पे खाना नीचे से ऊपर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और इस बात का भी बड़ी फिक्र होती है कि कोई किसी का हाथ ना रुके, किसी को कोई कमी पेशी ना हो. तो बस अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़त रखने वाला है, सबको जो है जो भी काम है सबको अच्छे तरीके से वही करवाने वाला है. मेरी तो कोई इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही मेरे अंदर कोई इतनी ताकत है. तो लेडीज़ जो है वो खाना खा के जा चुकी हैं, कुछ अभी बैठी हुई हैं. और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जेंट्स का खाना उन्होंने लगवा दिया है, तो कुछ खा के चले गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर खा रहे हैं. तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ये लोग खाना खा के चले जाएँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे ही खाना खाएंगे, क्योंकि हमें कौन खाना खिलाएगा तीसरी मंजिल पे ले आ ले आके. सब बहुत थके हुए हैं. तो मेरी जो यहाँ पर खड़ी हुई सब्सक्राइबर हैं ये, और ये भी मुझसे इंस्टा पे मैसेज करके आई थी. तो अभी ये लोग चले गए, इनको अल्लाह हाफिज़ करके हम लोग अभी बस घर वाले ही बैठ के खाना खा रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग सब बातें भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं. टाइम भी ज़्यादा हो गया और इसके साथ जो है चाय भी बन रही है, कोल्ड ड्रिंक. तो मेरे बच्चे बस पीते पीते हैं, तो मेहमानों के लिए भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आए. और मोहतर माशाल्लाह से मेरे साथ साथ दोपहर से लगी हुई थी. तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसी मोहब्बत दे, प्यार दे और खुशियाँ दे, अल्लाह का जिक्र करने वाला बना दे हमें. और जो भी कोई किसी के दिल में कोई किसी की तरफ से बुराई है तो अल्लाह पाक उसको निकाल दे बस, बल्कि हमारा दिल साफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन. अभी जो है मेरे हस्बैंड छोड़ने गए, मैं कुछ मेहमानों को गाड़ी नहीं मिल रही थी और मेरी भाभी भी बैठी हुई हैं जाने के लिए. तो मैं थोड़ा सा बाहर बैठ गई थी, बाहर थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा था. और ये मेरा भतीजा है, मेरी भाभी का बेटा. तो इनका घर काफ़ी दूर है और अभी गाड़ी भी कोई नहीं मिल रही थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके गए. मेरा बेटा मोहसिन वो भी छोड़ने गया यासिन बहन को. और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कितने सारे मिठाई के डब्बे और केक वगैरह हैं, तो इनको भी रखना है फ्रिज में. और ये मैं जो है थोड़ा थोड़ा सबको तकसीम कर दूँगी, सारा मैं तो नहीं खा सकती. तो अभी मैं फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो गया और अभी तो मैं किसी के यहाँ नहीं भिजवा सकती.
तो बस लोग इतनी खुशी से आते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि लोग खुशी से आते हैं तो खुशी से ही जाएं, किसी को कोई जो है शिकायत ना हो। और ये गुड़िया जो है रबड़ी लेकर आई थी, तो आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फ्रिज में मीठा ही मीठा भरा हुआ है, और खीर तो खैर ख़त्म हो गई। तो बस मुझे ये होता है कि खाना कम ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, तो अल्लाह पाक की जो है वो पूरा कराता है। और अभी बस खाना वाना खाने के बाद हम आ गए थे अपनी आदत से मजबूर सारा किचन का काम करने के लिए। तो थकन तो इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मेरी जब ज़्यादा थक जाती हूँ तो मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, मगर हमें काम भी निपटाना था, क्योंकि किचन तो कभी भी मैं ऐसा नहीं छोड़ती। तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके अभी हम धोएंगे, उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद ही फिर मैं जाऊँगी अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो अभी बस हम लोग सफाई कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह से सारे काम अच्छे से हो गए, और ये गिफ्ट आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों को मैं अपना फैमिली मेम्बर ही मानती हूं। तो मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या क्या है, और सब लोग माशाल्लाह इसमें दुआएं लेके गए, इसमें खुश होके गए, ये मैं बता नहीं सकती। तो ये आप लोगों की सबकी मोहब्बत प्यार खुलूस था, जो इतने लोग आए थे जिनको मैंने इन्वाइट भी नहीं किया था, मगर वो मेरी मोहब्बत में और मुझसे मिलने के लिए आए, तो सबका मैं कहीं से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और ये जो है ना मेरी बहन की बेटी एनी, वो लेकर आई थी मेरे लिए, मुझे बहुत ही प्यार लग रहा है ये ऊपर से, तो अभी देखती मैं मुझसे एक। तो ये डेकोरेशन पीस है, बहुत ही खूबसूरत जिस तरह से लगी गई सजावट में, तो मैं ये लेना चाह रही थी, और देखे इत्तेफाक से ये गिफ्ट आ गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इन्हीं आपका, आपकी मोहब्बत का, आप ये लेकर आए। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर है हसनैन नाम से, और वो फर्स्ट टाइम उनकी जो है फैमिली आई थी, इससे पहले भी वो मुझे गिफ्ट लेके गए थे, जो मैंने आपको दिखाया था फ्रेम था एक और एक मग था, और ये लेकर आए। मम्मी भी आई थी, उनकी वाइफ आई थी और उनकी भाभी भी आई थी। ये परफ्यूम है और ये बैंगल्स है और ये सूट है ग्रीन कलर का, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। और ये मुझे अम्मी कहते हैं, कहते कि मैं ना आपको अम्मी समझता हूँ, आप मुझे अम्मी की तरह लगती हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका, आपकी फैमिली का। और इसमें जो है क्या है, मुझे नाम नहीं पता उनका, फोन लेके गया मुझे, क्या लिखा है उन्होंने, बेस्ट विशेज लिखा है उन्होंने इसके ऊपर, तो सॉरी मुझे जिसने भी दिया है ये, मुझे उनका नाम नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारे जो है मिठाई के डब्बे दे रहे थे लोग, और केक भी दे रहे थे, और हार भी गए पहना रहे थे, पता नहीं आप नाम लिखे थे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी किचन का ही सामान, हाँ, और इसके अंदर गिलास है, बहुत ही प्यारे बहुत खूबसूरत से ये मेरे सब्सक्राइबर लेके आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये मैं रख देती हूँ इधर, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बर्थडे हुई थी। और ये जो गिफ्ट है ये लेकर आई थी मेहरीन कुकिंग मेहरीन का चैनल है, ये फर्स्ट टाइम आई थी मेरे घर पे, और बहुत मौका से मिली, बहुत प्यार से मिली, तो ये मुझे किचन का सामान लग रहा है, मार्बल का वाइट कलर का ये स्टील सेट है, और इस पे बहुत खूबसूरत से मल्टी कलर में ये फ्लावर्स बने हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आपका, आपके गिफ्ट का, तो वैसे आप ऐसे भी आते तो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट। और ये मेरी सब्सक्राइबर हैं अक्सा नाम की, ये भी इंस्टाग्राम के जरिए आई, और इनके भाई जो है ये चप्पल का काम करते हैं, तो ये मेरे लिए लेकर आई, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये जो नजर आ रहा है ना आपको चमकते हुए, बिल्कुल बारीक बारीक से स्टोन है ये कॉपर कलर के, और यहाँ पर भी लगे हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यही ऐसी मैं लेना चाह रही थी, क्योंकि मेरा जो सूट था वो कॉपर काम हुआ था, तो मैं चाह रही थी मगर मैं ले रह सकी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, तो बाजार से ऐसी आ गई थी मैं। और
ये मेरे लिए वॉच लेकर आई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है और इतनी मोहब्बत वाली ये बच्ची थी। इनकी बहनें भी आई थी, अम्मी भी आई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई इनके आने की। तो मेरे यही कह रही थी इनसे कि अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे, जहाँ भी शादी होगी जाए। और ये चप्पल भी मैं, ये फर्स्ट टाइम जो है मेरे सब्सक्राइबर में से ये चप्पल आई है मेरे लिए गिफ्ट, और बिल्कुल नाप की आई है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, तो ये मेरे बिल्कुल फिक्स आई है चप्पल। और ऐसे अगर मैं अपने लिए लेके आती तब भी मैं इतनी फिक्स नहीं पहनती, बहुत ही प्यारी चप्पल है। और आप सबको बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतने प्यार से आए, मोहब्बत से आए। तो अल्फाज मेरे पास कम है और बहुत ज़्यादा मेरा शुक्रिया है उन सब के लिए। तो इसी बात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।